अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी दक्कन SDN TV के नाज़रीन, आपका खैर मुकदम है। बंडी संजय की मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी पर पुलिस में शिकायत दर्ज। BJP सदर नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस अखिलियती शोबे के सदर अरशद शेख का बयान। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस अखिलियती शोबे के चेयरमैन अरशद शेख की क़यादत में आज गांधी भवन के रूबरू BJP सदर तेलंगाना बंडी संजय के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए इनका अलामती पुतला नज़र आतिश कर दिया गया। अरशद शेख ने कहा है कि बंडी संजय करीमनगर में पार्टी कारकुनों के जलसे से खिताब करते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी तकरीर की और तेलंगाना में एक गलत मिसाल कायम की। बंडी संजय मसाजिद को मुनद्दिम करने, तहफ़ुज़ात को बर्खास्त करने, उर्दू ज़बान के ख़िलाफ़ जो जहर उगला है, इससे यह साबित होता है कि बंडी संजय नफ्सियाती मरीज बनकर पागलपन में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान देते हुए इख्तदार का ख्वाब देख रहे हैं। जबकि हैदराबाद और तेलंगाना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फूलों का गुलदस्ता हैं। ये अमन व अमान सेकुलरिज़म के रास्ते पर चलने वाली रियासत है। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह बरसों से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सिर्फ वोट के लिए इशार अंगेज तकारीर के ज़रिए BJP मुल्क का शीज़ा बिखर रहे हैं, जो एक ख़तरा है। मैं हिंदू दोस्तों से अपील करता हूँ कि वो बंडी संजय की इशार अंगेज तकारीर पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। हमने हमारी नौजवानों की कुर्बानियों और बरसों की जद्दोजहद के बाद तेलंगाना हासिल किया। तेलंगाना को अमन का गहवारा बनाते हुए तरक्की की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। कांग्रेस वो वाहिद जमात है जो हर तबका हर मज़हब का एहतराम करती है। कांग्रेस के दौर में पेट्रोल डीजल गैस अशियाए ज़रूरिया की जो कीमतें थीं, आज 3 गुना इजाफा हुआ है। अरशद शेख ने कहा है कि BJP मज़हब के नाम पर सियासत करते हुए महंगाई को फ़रोग दे रही है। गुरबा को आज एक वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो चुका है। इन्होंने कहा है कि बंडी संजय के ख़िलाफ़ आज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। मैं पुलिस से अपील करता हूं कि अमन व अमान को धर्म भरम करने के जुर्म में बंडी संजय को गिरफ्तार करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। अरशद शेख ने कहा है कि बंडी संजय के ख़िलाफ़ ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करेगी। इन्होंने कहा है कि ये तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश नहीं है। BJP की मौजूदा असेंबली नशिस्तें भी आने वाली असेंबली इंतखाबात में छीन ली जाएंगी। तेलंगाना में BJP का वजूद ही नहीं है। BJP मजहब के सहारे इख्तदार हासिल करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम सिख व ईसाई फ़िरक़े परस्तों को आने वाले इंतखाबात में मुँह तोड़ जवाब देंगे। ग्रेटर हैदराबाद की जानिब से मुनक़िद एहतजाज में कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी उज़्मा शाकिर भी मौजूद थीं।